क्वेश्चन नंबर 9, 2 ((x+3) - 3 (((x+3)) / 2(x-1)=5, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू -3 and 1/2। सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है इसे हम आसान बनाएंगे। तो ये जो है इसे हम मान लेंगे 2(x-1)/(x+3) को y, एंड इसको जस्ट अपोजिट है इसका, तो (x+3)/(2x-1) क्या हो जाएगा, 1/y। अगर इस इक्वेशन को हम y मानते हैं तब ये इक्वेशन, ये जो पार्ट है वो 1/y हो जाएगा। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो हम अब इस अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन क्या बनी, तो 2y-1y = 5। ओके, देन इसे सॉल्व करें, 2y²-3/y = 5, 2y²-3 × (5, 5y, 5y) देन 5y, 5y को इधर भेजेंगे, 2y²-5y-3 = 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो a = 2, b = -5 एंड c = -3। अब इसको इक्वेशन में पुट कर अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तब यहाँ पे सब कुछ y है, तो y = -b + -√b²-4ac/2a, देन -b (-5) + -b²-5² - 4ac (4×2) एंड c = -3/2×2। देन बाहर माइनस अंदर माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, +5 + -5² = 25 - ये भी माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, 4 × 8 = 24/4। देन 5 + -49/4। देन 5 + - ये 7 का स्क्वायर होता है, तो 7/4। देन यहाँ से y की वैल्यू दो वैल्यू आ जाएंगी, 5 + 7/4 एंड एक आएगी y = 5 - 7/4। तब यहाँ से 12/4, यहाँ से 3 आएगी -2/4, तो -½। ये हमारी y की दो वैल्यू आ गई। अब y की जो दो वैल्यू आई हैं उसे हम रखेंगे यहाँ पे। तो हमने माना था 2x-1 = y था, तब जो हमारी y की वैल्यू आई उसमें पुट करेंगे, तो 2x-1/(x+3) = y की वैल्यू पहले 3 है, ठीक है, उसे रख कर सॉल्व करेंगे, और एक 2x-1/(x+3), यहाँ पे y की वैल्यू -½ है, तब क्या होगा, -1/(x+3), तो y की वैल्यू हमारी 3 है, तो 3, तो 2x-1 = 2x-1/(x+3), तब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x+3 = 2x-1, 3x + 9 = 2x-1, 3x + 9 - 2x - 1 = +1 = 0। तो यहाँ पे बचेगा x + 9 यानी कि 10 + 10 = 0, तो x की वैल्यू आएगी -10। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x-1, यहाँ पे क्या होगा, -1 × x+3, 4x-2 = -x - 3। तो 5x हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1 + 1 = 0, तो 5x = -1, x = -1/5। तो यहाँ से x की वैल्यू दो आ गई, x = -10 और x = 1/5।